We're just going to stand here and we're going to see if we can catch him as he makes an entry. Assalamualaikum. कैसे हैं फहद साहब? बिल्कुल खैरियत से हैं? अभी तो आप बड़े काम कलेक्टेड हैं. मैं रिस्टोर कर रहा हूं एनर्जी. ये कितनी देर रेस्टोरेशन होती है एनर्जी की? आई डोंट टॉक. यू डोंट टॉक? नो, नॉर्मली आई डोंट टॉक. फॉर हाउ लॉन्ग? एट लीस्ट टिल द शो. अच्छा, तो अभी हम आपसे बात ना करें? ऐसा ऐसा है ना, ऐसा चलें फिर. अफ्तारी का वक्त भी हो रहा है. So this is a, there is a method to the madness. There is actually. Actually. In the end, फिर वो नहीं पा. हाँ, अभी आता है. There is a method to the madness. Thank you. Absolutely. मुझे हमने कहा आप जो भी उससे पास आके निकल के मिले, मैं कहा भाई वैसे इस तरह नहीं मिलते मुझसे. आज हम दूल्हे दे रहे हैं. Actually मैं आता हूँ और मैं आके खामोशी से जिस रूम उबैद खान का मैं वहाँ जाके लेट गया. Right. फिर मैं किसी से बात बात नहीं करता. Right. फिर हम इफ्तार के टाइम पे मिलते हैं और थोड़ी देर तक कुछ खा के ये सारे खाते रहते हैं. हाँ. और मैं जो हूँ वो शो करने. So what is a normal iftar for you? मैं बहुत कुछ लेके आता हूँ. अगर मैं इफ्तार ना लेके आऊँ तो यार वाले भूखे मर जाएं. आज आप देखेंगे. आज का मेरे घर का मेन्यू है दाल चावल और हमने ब्रांच स्पेगेटी लेके आया हूँ मैं. अच्छा. जो कि मैं खाऊंगा. ये सारे जो है बहुत कुछ. हाँ. उम्मीद है हम भी खाएंगे. इंशाल्लाह भी खाएंगे. लेकिन ये है कि बहुत मजा आने वाला है और आज आखिरी चार रोजे रह गए. दुआ करें जल्दी जल्दी. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. बहुत थक गया हूं. और गाइस इफ यू कैन सी फहद का इस वक्त एनर्जी लेवल ऐसे चिल में चल रहा है. चिल. ये वो लग ही नहीं रहा फहद जो अभी थोड़ी देर बाद होने वाला है गाड़ियों के ऊपर मोटरबाइक से. कहते हैं कि जाग जाओ जाग जाओ. बहुत से लोग जो ऐसे नए लोग आते हैं उनको लगता है कि ये आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है. देयर इज सम गड़बड़. राइट. लेकिन वो उस टाइम की बात अलग होती है उससे पहले. अच्छा, आपने बोला मुझे ट्विटर पे कि आवाम की मोहब्बत है ये जो एनर्जी आती है. That's true. Of course, mohabbat ki energy hai. Lekin uske alawa what keeps you going? 30 days live show, not easy. I think because I know the rest of the year is very thanda for me. You know, it's a 2-day job. Hmm. It's the easiest job in the world. Hmm. So if I get to do 30 days non-stop, so I think they also deserve this. Na, to unko itna to dena chahiye. So I try and give my 100% in these 30 days. And then jo log, because hota kya hai, sara saal log Ramzan ka intezaar karte hain. जो लोग नहीं भी देख रहे होते वो भी देख रहे होते. तो चाहे चार्ट बेचने वाला आदमी हो, चाहे बहुत बड़ा बिल्डर हो, चाहे मिनिस्टर. आज आप देखेंगे मेरे शो पे हर तरह का आदमी. दे ऑल नो कि क्या होता है शो. तो एक हिस्ट्री क्रिएट होती है, एक सीरीज़ बनती है. पहली एपिसोड से लेके पहला एपिसोड ठंडा होता है, दूसरा तीसरा, तब तक लोगों को पता लग जाता है कि होता है. फिर जब एक एक आदमी जुड़ा हुआ हो ना आपसे कि अच्छा कल क्या हुआ. अभी मैं जैसे निकल रहा था अपने घर से तो गार्ड मुझसे पूछ रहे सर वो परसों उसने क्या किया. हाँ. रोक रोक. अब रोज आप अगर उनको पता हो. राइट. तो वो एनर्जी फिर उसकी अलग आती वो है. यू अगर ना हो पता तो फिर आई एम श्योर की एनर्जी बिल्कुल नहीं होगी. फर्क होती वो है. वाला चक्कर. एब्सोल्युटली. तो ये तो है, पीपल ड्राइव दैट एनर्जी. एब्सोल्युटली. This is the silence behind the madness and अभी बड़ा सब कुछ सुकून वाला सीन लग रहा है और आप देख सकते हैं this is the spread that this is where Fahad has iftar every day. इसमें थोड़ी देर बाद Fahad will make an entry and it's a race against time. अभी वो गए हैं अपना हेयर मेकअप कराने. वो आएंगे, रोज़ा खोलेंगे. I think he'll barely have 10 minutes to open his fast and then he's going to rush for wardrobe change and then he's going to rush for Jeeto Pakistan and we'll be following him around and stay with us. So this is the spread and we had iftar with Fahad and the entire ARY team. मज़े की बात यह है जो आप लोगों को नज़र नहीं आ रही कि तीन दफ़ा फहद कमरे से बाहर गए अपने लिए आलू के पकौड़े ढूंढने जो उनको मिल गए और फिर वो बाकियों के लिए भी लेके आए. बट यू नो जितना ये चिल सीन लग रहा है इतना है नहीं. दिस बेरली लाइक आई सेड बिफोर 5 to 7 मिनट्स बिफोर एंड देयर ही इज़ लुकिंग एट हिज वॉच टाइम आउट एंड दैट्स इट. सो अब वो उठे हैं बिल्कुल. वी ऑफ कोर्स आर ट्रेलिंग हिम और हम बिल्कुल उनको जिसे कहते हैं ना स्टॉकर सिंड्रोम था ये. और हमारा यही मकसद था कि ये फुटेज आपको क्योंकि कहीं और नहीं मिलेगी. वी वांटेड टू गेट एज मच ऑफ फहद मुस्तफा ऑन रील एज पॉसिबल. द देयर ही इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैच अप विद हिम. और हमने भी बिल्कुल बिला झिझक उनको ट्रेल किया है पूरा दिन विच वॉज क्वाइट एग्जॉस्टिंग एंड हाउ द मैन कीप्स अप इज़ जस्ट अमेजिंग. तो यहाँ से वो निकले स्टूडियो स्पेस से. छोटी सी साइड पर प्रेयर एरिया है और we didn't want to invade his privacy but it was just very inspirational ke ek star hai aur mera khayal hai ke you know without luck and karma and without the
prayers and everything, itni success milti nahi hai. So there we have it. Aap agar time dekh rahe hain to ye bilkul fatafat sab kuch ho raha hai. And it's around 7:25 right now. Fahad has barely 5 minutes to finish his prayers. 7:25 is about 7:20. Fahad has barely 3 minutes to finish his prayers, and we're going to cut to his changing room. Guys, ye bahut ek khas jagah hai. This is Fahad Mustafa's container. This is where he gets ready for Jeeto Pakistan. Let's go in. You are never going to get this footage anywhere else. Aajay. And there he is. There's the man of the moment. Azan ho rahi hai, isliye main zyada nahi kuch bolna chahti. Kota ki azan hai, theek hai, hamari azan ho chuki hai. Fahad, kaisa lagta hai aapko is waqt? Rozana show se pehle. Aajkal bahut acha lag raha hai kyunki shows kam ho gaye hain. Piche 3 show rehte hain. Waise bahut tension rehti hai. So this is the famous Fahad Mustafa container. Humne bahut baatein suni hai Fahad is container ke bare mein. बहुत कुछ हुआ है इस कंटेनर के अंदर. ये हम सुनना चाहेंगे. क्या फॉर एग्जांपल क्या फहद? देखिए, पाकिस्तान के सारे सेलिब्रिटीज इस कंटेनर में आ चुके हैं. बहुत सारे पॉलिटिशियंस इस कंटेनर में आ चुके हैं, सिवाय इमरान खान के. सब आ चुके हैं. तो इमरान खान क्यों नहीं आए? क्योंकि उनके पास अपना कंटेनर है जी. मगर वो कंटेनर के ऊपर पाए जाते हैं. फहद, क्या कोई ऐसा सेलिब्रिटी है जो आया हो और आप स्टार स्ट्रक हुए हो? वसीम अकरम आए थे. मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ वसीम अकरम का, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ था. बाकी ऐसा कोई नहीं हुआ. बाकी सलमान भाई आ जाते हैं, वो हमसे बड़े स्टार हैं. हाँ. तो उनके साथ हो जाता है. मालिक आ जाते हैं अचानक से, वो वाला हो जाता है. बाकी और तो कोई ख़ास ऐसी कोई दुआ है या कोई सेल्फ प्रेयर जो आप स्टेज पर जाने से पहले दबाना पड़ते हैं? यार, बस मैं सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ हमेशा और हर दुआ में, हर नमाज में, मैं ये बात ज़रूर कहता हूँ कि पैसा आनी जानी चीज़ें, इंसान की इज्जत रहनी चाहिए. इज्जत अगर बरकरार रही तो, और वो आजकल आप लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा हो. कोई भी कुछ भी कभी भी लिख सकता है. सो आई जस्ट वॉन्ट कि एक दिन मैं उठूँ और अल्लाह इस सोशल मीडिया को निस्त नाबूद कर दे. आमीन, मैं भी ये कहती हूँ. बिल्कुल बर्बाद हो जाए. बिल्कुल. एंड देन वी ऑल गो बैक टू आवर नॉर्मल लाइफ, तो सारा अच्छा हो जाएगा. तो फहद, आपका करियर तो सोशल मीडिया पे नहीं बना. नहीं, इसीलिए मैं कहता हूँ exactly, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा. एग्जैक्टली exactly. वो सिर्फ खराब ही कर सकता है, वो कुछ अच्छा उससे उम्मीद नहीं हमारे मुल्क में नहीं. तो नहीं है कम से कम. So it wouldn't be wrong to say that you are the country's biggest star right now. Sutsi, I'm saying something right there. You absolutely are. You absolutely are. कुछ तो है. बहुत बहुत बकवास. इसको खत्म हो जाना चाहिए. मैं इमरान खान से भी अपील करता हूँ ये करें. Yeah, we're live on the sets of Jeeto Pakistan. This is a one in a lifetime opportunity. मुझे कुछ पता नहीं कि मैंने कहाँ जाना है, मुझे बताया जा रहा है. आई थिंक वी क्रॉसिंग ओवर. लेट्स गो. फहद मुस्तफा इज गोइंग टू मेक हिज एंट्रेंस एनी टाइम नाउ. गाइस, एक्साइटमेंट इस वक्त लोगों की बिल्कुल जोरों पे है. दे बीन स्टैंडिंग हियर सिंस आई थिंक 3-4 o'clock. और कम से कम यहाँ 600 बंदा है. मेन, वुमेन, ओल्ड पीपल, यंग पीपल, इट्स जस्ट इट्स इनसेन. और आप काउंटडाउन सुन रहे हैं. वी गॉट फहद इज अबाउट टू एंटर. आई सोचे प्यारे आजा प्यारे भेजे को हिला के. Thank you.
तबीयत ठीक है। जी तो पाकिस्तान का इस दफ़ा इस साल एक फॉर्मेट रहा है कि दे बीन ब्रिंगिंग इन वन और टू हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज़ एवरी डे। हमने देखा मायरा खान को, देखा वी हैव सीन फिरोज खान ऑन द सेट, आई मीन रोज़ाना कोई ना कोई, वी हैव सीन क्रिकेटर्स म्यूजिशियंस, रोज़ कोई ना कोई आ रहा होता है। एंड यू नो आज हमारे साथ सुहाए हैं, सुहाए अली अब्रो, एंड देयर इज़ बिलाल अब्बास खान। सुहाए ऑफ कोर्स इज़ कमिंग आउट विद हर नेक्स्ट प्ले, उनका सुर्ख चांदनी अनकरीब टेलीविजन पर आने वाला है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट।